160,000 खर्चा करने का कोई ज़रूरत नहीं इंस्टीट्यूट में जाके, क्योंकि मैं इस वीडियो बनाने वाली हूँ, बहुत सारा लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है, जो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते इंस्टीट्यूट के लिए। Hey guys, welcome to my channel. This is me, Rajashree, with you and with a very interesting video. This video is going to be very interesting and helpful for you because I'm going to share so many information in this video. So, without further delay, let's get started and keep watching my video till the end because you are going to know so many things in this video. And you have to do one thing, subscribe my channel, and if you like my video, hit on the like button and comment down below. Okay, so let's get started. So guys, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज बहुत सारा लोगों का कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारा लोगों का प्रॉब्लम है, मतलब मेरे से बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं. So as you have already seen in my video title that how to be a cabin crew, this video is all about the title. So आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि how to be a cabin crew. लेकिन इसके लिए बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में है कि कैबिन क्रू बनने के लिए क्या हमको कोई इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना पड़ता है, क्या हम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके बिना करके कैबिन क्रू हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोगों का डाउट है, क्वेश्चन है. वो लोग पूछते हैं कि हम अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या हम कैबिन क्रू बन सकते हैं, या ये इम्पॉर्टेंट है कि आई हैव टू ज्वाइन टू एनी इंस्टीट्यूट. तो मैं आज के वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू ज्वाइन an institute to be a cabin crew or not. क्योंकि हम जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं कोई डोमेस्टिक एयरलाइंस या कोई इंटरनेशनल एयरलाइंस में, तो वहाँ पे हम लोगों को नहीं देखता है कि इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट और नॉट, वहाँ पे ये सब चेक नहीं करते हैं. अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो लोग बस देखते हैं कि इफ़ यू आर स्मार्ट, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट and your communication skill and that's it. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिसका मतलब जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए. तो मैं उन लोगों ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाई हूँ और दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइज, बिकॉज आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, बहुत सारा फेमस इंस्टीट्यूट है जो कि कैबिन क्रू का ट्रेनिंग देता है. तो ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ही पड़ेगा. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इट्स ऑल अप टू यू, बट अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो इट्स ऑल फाइन. क्योंकि हम अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ पे नहीं देखते हैं कि आप कोई इंस्टीट्यूट से आए हो या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या नहीं. इंस्टीट्यूट में लोग क्यों ज्वाइन करते हैं, इंस्टीट्यूट में क्या होता है? तो इंस्टीट्यूट में जब आप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको सिखाता है कि हाउ टू कम्युनिकेट, कि आपको कैसे कम्युनिकेट करना है. इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हो, कोई इंटरव्यू में जाते हो, तो वहाँ पे आपको कैसे आंसर देना है, क्या क्या आंसर देना है. लेकिन ये सब मतलब कोई फिक्स नहीं रहता है कि मैं ये क्वेश्चन का आंसर करके गई हूँ तो वहाँ पे मुझे यही आंसर देना है, यही क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं, ठीक है. तो वहाँ पे बस सिखाता है कि हाउ टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड हाउ टू गिव आंसर फॉर एनी क्वेश्चन इन द इंटरव्यू वेन्यू. तो ये सब सिखाते हैं कि हाउ टू बी स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट. तो ये आप खुद से भी हो सकते हैं ना, थोड़ा ट्राई करने से, थोड़ा ट्राई अगर आप करोगे तो ये हो ही जाएगा कि आप स्मार्ट मतलब स्मार्टली बिहेव कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो. तो ये सब के लिए आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं है. और फर्स्ट क्यों नहीं ज्वाइन करना है, क्योंकि बहुत सारा इंस्टीट्यूट यहाँ पे हैं जो लोग बहुत फीस चार्ज करते हैं, जो कि है 160,000, 170,000, 120,000. तो इतना पैसा देके हमको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का क्या ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे बस यही सिखाता है कि स्मार्ट कैसे होना है, कैसे कॉन्फिडेंट होना है, कैसे आपको कम्युनिकेट करना है.
और थोड़ा बहुत अदर्स ट्रेनिंग भी देता है कि कौन कौन सा फ्लाइट है, मतलब फ्लाइट का नेम्स एंड उसमें कितना सीट्स रहते हैं, क्या करना पड़ता है, ये सब. तो ये सब अब यूट्यूब में सर्च करने से भी आपको मिल जाता है कि एक्चुअली कैबिन क्रू लोग क्या करते हैं और फ्लाइट कौन कौन सा फ्लाइट होते हैं, उसमें जो डिटेल्स है. और ये सब इंटरव्यू में नहीं पूछता है कि आप फ्लाइट का नाम बताइए, इस फ्लाइट में कितना सीट होते हैं, ये सब नहीं पूछते इंटरव्यू में. इंटरव्यू में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है गाइस, ट्रस्ट मी, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड छोटा मोटा कुछ क्वेश्चन जो कि आप अगर फ्लुएंट हो इंग्लिश में, थोड़ा बहुत फ्लुएंट हो तो आपको चल जाता है. और अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी लाना ही है तो आप यूट्यूब में देखिए, आप बुक्स पढ़िए, आपको मतलब आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है टू बी फ्लुएंट. तो इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने के लिए आपको 1,60,000 खर्चा करने का कोई ज़रूरत नहीं इंस्टीट्यूट में जाके. क्योंकि मैं इस वीडियो बनाने वाली हूँ, बहुत सारा लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है, जो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते इंस्टीट्यूट के लिए, उनके लिए. तो मैं ये नहीं बताने वाली हूँ कि आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन ही मत कीजिए, ये आपके ऊपर है. आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कीजिए, आप अगर नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो नहीं कीजिए. क्योंकि इंस्टीट्यूट से मतलब जॉब का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. तो फर्स्ट तो इतना पैसा देके आपको इंस्टीट्यूट में जाना क्यों है, क्योंकि वहाँ पर तो इतना कुछ सिखाते ही नहीं है. वो लोग जो ट्रेनिंग देता है, मतलब वो लोग जो कम्युनिकेशन ये सब और फ्लाइट में क्या करना है, इमरजेंसी में क्या करना है, इमरजेंसी में हम लोगों को फ्लाइट में कहाँ क्या रहता है, कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या क्या करना है, ये सब वो लोग थोड़ा बहुत सिखा देते हैं इंस्टीट्यूट लोग. तो ये हमको ऐसे ही ट्रेनिंग मिलता है. क्योंकि अगर आप इंटरव्यू दिया है किसी जगह और वहाँ पे आप सिलेक्ट भी हो गए हैं, लाइक इंडिगो में मानो कि हम सिलेक्ट हो गए हैं, तो वहाँ पे मेरा ट्रेनिंग होगा 3 मंथ्स का. वहीं पे मुझे सब सिखा देगा कि जब हम कोई इमरजेंसी में होंगे तो हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब ट्रेनिंग मुझे कंपनी प्रोवाइड करेगा. वहाँ पे अगर हम इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए हैं इंडिगो का, तो मुझे ज्वाइन करना है, तो वहाँ पे मुझे ट्रेनिंग के लिए कुछ फीस देना पड़ता है, लाइक 50,000 ऐसा, तो मुझे कंपनी को देना ही पड़ेगा. तो मैं क्यों पहले से ही 1,60,000 खर्चा करके कोई इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करूँ. तो गाइज, मुझे यही बोलना था कि ऐसा कोई बात नहीं कि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ही होगा. क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जब जाते हो आप लोग, अब जाओगे तो वहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और नॉट, क्योंकि वहाँ पे ये सब नहीं देखता है. मैं भी गई हूँ इंटरव्यू के लिए, मुझे भी एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं कोई इंस्टीट्यूट से नहीं गई हूँ, मैं कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन भी नहीं किया. मैं डायरेक्ट अपने घर से प्रिपरेशन किया और डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए चली गई. और मैं जब फर्स्ट टाइम, मतलब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू वही था, आपको अगर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप देख सकते हो एंड आपको नॉलेज हो जाएगा फिर. तो मैं जब इंटरव्यू के लिए गई थी, वो मेरा लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था एंड इट वाज ऑसम बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. मैं मतलब इतना कुछ प्रिपरेशन लेके गई नहीं, मुझे पता ही चला 2 दिन पहले कि इंटरव्यू हो रहा है कोलकाता में, तो मैं बस मेरे फ्रेंड के साथ चली गई. तो वहाँ पे जाके बहुत ईजी इंटरव्यू ही था, मतलब थोड़ा बहुत ईजी था. एक्चुअली मेरा प्रिपरेशन नहीं था, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू, उसमें भी मैं थर्ड राउंड तक गई थी. वही मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी बात है. तो वहाँ पे ऐसा नहीं दिखता मेरा. वहाँ पे जब इंटरव्यू मैंने देने गई थी, तो वहाँ पे बहुत सारा मेरा फ्रेंड्स आए, मतलब लोग आए थी, गर्ल्स थी वो लोग, मतलब इंस्टीट्यूट से, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से आई थी. तो मैंने उन लोगों के साथ बात भी किया कि कैसा होता है, क्या होता है इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से, मतलब क्या फ़ायदा है, ये है वो. तो वो लोग भी, मतलब कोई कोई है जो फर्स्ट राउंड में आउट हो गई. तो वहाँ पे ऐसा नहीं दिखता है कि आप इंस्टीट्यूट से आए हो, बस ये सब कुछ नहीं दिखता है. तो गाइज, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी दे देती हूँ क्यों मैं बोल रही हूँ इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करने के लिए. क्योंकि मैं जहाँ पे पढ़ती हूँ, मेरा जो कॉलेज है उसके सामने एक इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं बताऊँगी. एक इंस्टीट्यूट है बहुत ही फेमस फॉर एयर हॉस्टेस ट्रेनिंग. तो वहाँ पे मतलब सारा लड़की, मतलब वो यूनिफॉर्म पहन के जाती है. तो मैंने देखा कि एक लड़की जा रही थी, उसके हाथ में बहुत इतना यहाँ पे मतलब एक बड़ा करके टैटू है. मतलब इंस्टीट्यूट में जो जाते हैं वो लोग नहीं देखते हैं कि टैटू है, हाइट कम है, क्या मतलब प्रॉब्लम है, बस सभी को ले लेते हैं.
मतलब अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पे साफ सब लिखा हुआ है कि टैटू नॉट अलाउड, जो विजिबल टैटू है आफ्टर वेयरिंग द यूनिफॉर्म जो विजिबल है वो टैटू अलाउ नहीं है वहाँ पे। मतलब जो इंटरनेशनल एयरलाइंस होता है कतर एमिरेट्स वहाँ पे भी अलाउ नहीं है। कोई कोई इंटरनेशनल एयरलाइंस में अलाउ कर भी देता है लेकिन डोमेस्टिक एयरलाइंस में अलाउ नहीं है। मैं जब इंटरव्यू के लिए गई थी मेरा हाथ मतलब बहुत अच्छे से चेक किया, मेरा फेस, मेरा हाथ, मेरा नेक में मतलब थोड़ा सा एक यहाँ पे एक मेरा बर्थ मार्क है, इसके लिए भी उन्होंने बोला कि ये क्या है, क्या हुआ था, मतलब एक छोटा सा जो मार्क है उसका है उसके लिए भी वो लोग बोलते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कितना चेक करते हैं। तो इंस्टीट्यूट वाला वो नहीं देखता है। और एक लड़की को मैंने देखा था, उसका हाइट बहुत शॉर्ट है, जो कि मतलब डोमेस्टिक एयरलाइंस में ही लिखा हुआ है कि हाइट मिनिमम 156 सेंटीमीटर चाहिए और इंटरनेशनल में तो उससे भी ज़्यादा चाहिए। तो वो लोग इतना नहीं देखते कि आपका हाइट क्या है, आपका हाथ में टैटू है, आप इंटरव्यू में जा भी सकते हो या नहीं, वो लोग बस ले लेते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, इंटरव्यू मतलब देने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ही होगा, तो आप ज्वाइन मत कीजिए। इससे अच्छा है कि वो 1,60,000 आप बचा के रखिए जो आपका फ्यूचर में काम में आएगा, क्योंकि आफ्टर इंटरव्यू अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको पैसा चाहिए दूसरी जगह रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, वहाँ पे फिर आपको 50,000 70,000 अलग अलग एयरलाइंस का अलग अलग पैसा होता है। ट्रेनिंग चार्ज, एक्चुअली ट्रेनिंग चार्ज नहीं है, मतलब वो लोग लेते हैं फॉर देयर सेफ्टी, तो वो खर्चा तो आपको देना ही होगा। तो इससे अच्छा कि आप बचा के रखिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, हाउ टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हाउ टू बी स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए एंड आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख के फिर आप इंटरव्यू के लिए जाइए। तो इतना टाइम वेस्ट, इतना पैसा वेस्ट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरा वीडियो आज मतलब इसी के लिए था, इसी के लिए मैंने वीडियो शूट किया कि बहुत सारा लोग गलत फहमी है पूछते हैं मुझे, तो मैंने ये डाउट क्लियर कर दिया। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल। तो मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी लिख देना कमेंट में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत लंबा हो गया मेरा वीडियो बट थैंक यू सो मच, अगर कोई लास्ट तक मेरा वीडियो देखा तो थैंक यू सो 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 मच एंड दैट्स इट। तो मेरा वीडियो आज इसी के लिए था एंड आई एम कमिंग विथ माई न्यू वीडियो। बाय बाय।